आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया गया है कि बिंदु मिलान द्वारा शब्द लिखना किस विधि द्वारा सिखाया जाता है। हमारे पास यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है रूपरेखा अनुकरण विधि, दूसरा विकल्प है स्वतंत्र अनुकरण विधि, विकल्प तीसरा है मॉन्टेसरी विधि और विकल्प चौथा है जैकाटार्ट विधि। हमें यहाँ पे बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो बिंदु मिलान द्वारा शब्द लिखना जो है वो रूपरेखा अनुकरण विधि द्वारा सिखाया जाता है। किस विधि द्वारा? तो रूपरेखा अनुकरण विधि। विधि द्वारा सिखाए जाते हैं। यदि विकल्प में देखें तो मैं पहला विकल्प क्या है, रूपरेखा अनुकरण विधि। तो इस विधि में क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं वो स्लेट या ब्लैक बोर्ड पर चौक द्वारा और या फिर कॉपी पर क्या कहते हैं कि पेन से बिंदु रखते हुए शब्द वाक्य लिख देते हैं और छात्र से उन बिंदुओं को मिलाने को कहते हैं, जिससे कि क्या होता है कि शब्द वाक्य भर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रूपरेखा अनुकरण विधि कहते हैं। और इस विधि के द्वारा ही बिंदु मिलान द्वारा शब्द लिखना सिखाया जाता है। तो हमारा विकल्प पहला इसका सही उत्तर है और विकल्प दूसरा है स्वतंत्र अनुकरण विधि। तो इस विधि में क्या होता है कि जो अध्यापक होते हैं या फिर जो शिक्षक होते हैं वो श्याम पट पर स्लेट द्वारा क्या होता है कि अक्षर लिख देते हैं और बालक से कहते हैं कि नीचे वह स्वयं उसी प्रकार के अक्षर लिखे, उसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अनुकरण विधि कहते हैं। लेकिन इस विधि के द्वारा बिंदु मिलान द्वारा शब्द लिखना नहीं सिखाया जाता है, इसलिए हमारा विकल्प दूसरा नहीं होगा। और विकल्प तीसरा है मॉन्टेसरी विधि। तो मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है कि गत्ते या फिर लकड़ी आदि के कटे अक्षर पर बच्चों से उंगली फेरकर उन्हें शब्द पढ़ना सिखाया जाता है, फिर लिखना सिखाया जाता है। तो मॉन्टेसरी विधि भी जो बिंदु मिलान द्वारा शब्द लिखना नहीं सिखाता, तो हमारे विकल्प तीसरा भी नहीं होगा। विकल्प चौथा है जैकाटार्ट विधि। तो जैकाटार्ट विधि में क्या होता है, तो इसमें जो बालक है स्वयं अपना सुधार करता है। और इस विधि में क्या होता है कि जो बच्चे के समक्ष पूरा वाक्य लिखा जाता है और पहले तो बच्चा क्या करता है इसमें देख कर लिखता है और फिर बाद में उसे वाक्य को बिना देखे लिखता है जैकाटार्ट विधि में। तो जैकाटार्ट विधि द्वारा भी बिंदु मिलान द्वारा शब्द लिखना नहीं सिखाया जाता है, तो हमारा विकल्प चौथा भी नहीं होगा। अतः हमारा जो विकल्प पहला है वो इसका सही उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।